तस्वीरें तस्वीरें और तस्वीरें, तस्वीरों का ही पूरा संसार, पूरा बाजार। आपको जैसी तस्वीर चाहिए बस कल्पना कीजिए और चुन लीजिए। आपके माउस के एक क्लिक पर आपके लिए हाजिर है 6 लाख से ज्यादा तस्वीरें। यकीन नहीं होता ना? तो आपको ये भी बता दें कि आप भी अपनी तस्वीर के साथ इस दुनिया में शामिल हो सकते हैं। क्या पता एक दिन आप किसी विज्ञापन में नजर आ जाएं। एक आम आदमी को मॉडल बनाने का ये आइडिया है संदीप माहेश्वरी का। संदीप, सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे कि आपकी कंपनी क्या करती है। इसमें जैसे बुक्स की लाइब्रेरी होती है कि जब हमको बुक चाहिए होती है तो हम लाइब्रेरी से ले लेते हैं और पढ़ के वापस कर देते हैं, सेम इसी तरीके से हमारी इमेजेस की लाइब्रेरी है। और जिस भी एड कैंपेन के लिए किसी कंपनी को इमेज चाहिए होती है तो वो हमसे उस इमेज को परचेज कर लेते हैं और परचेज करके अपने एड्स में यूज कर लेते हैं। आज बात हो रही है आइडियाज की, जिंदगी लाइफ में आज हम सिर्फ आइडियाज की बात कर रहे हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया बेसिकली मैं एक फोटोग्राफर हूँ, जो मॉडल्स जो आगे मॉडलिंग करना चाहते हैं तो उन लोगों के मैं पोर्टफोलियो शूट करता था। एंड उसमें काफी बार ऐसा होता था कि उन फोटोग्राफ्स के लिए कुछ एजेंसीज वाले बोलते थे कि हमें शूट नहीं कराना पूरा अपनी एड कैंपेन के लिए, हम सीधा उन्हीं फोटोग्राफ्स को यूज कर लेते हैं। तो 2-3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ में, तब एकदम से कहीं ना कहीं आइडिया आया कि इतने सारे मैं पोर्टफोलियो शूट कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो क्यों ना इन मॉडल से बात करके इनकी फोटोग्राफ्स की एक वेबसाइट बना दी जाए जहां से ये फोटोग्राफ्स ली जा सके। फिर मैंने थोड़ा सा सर्वे किया इंटरनेट के ऊपर और देखा कि ये तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वर्थ मोर देन $1.5 बिलियन। सो तब मेरे को लगा कि इसको कुछ सीरियसली सोचना चाहिए इसके बारे में। स्टॉक फोटोग्राफी का जब आपने बिजनेस शुरू किया तब शुरू में बहुत दिक्कतें आई? आप शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम आई जब शुरू किया था तो मैंने अपना सब कुछ लगा दिया था इस बिजनेस में, सब कुछ, मतलब अपनी अपना टाइम, अपना पैसा, जो कुछ मैंने कमाया था, जो कुछ सीखा था, सब कुछ लगा दिया था। जब लॉन्च किया तो उसके बाद में वेबसाइट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। आप सोचिए 1.5 साल मैंने मेहनत करी थी इसको लॉन्च करने में, मैंने और मेरी पूरी कंपनी में, हम सब लोगों ने। और लॉन्च करने के बाद में 6 महीने तक तो ये हालत थी कि ना तो कुछ ज्यादा सेल्स होती थी ना साइड ढंग से काम करती थी। इनफैक्ट साइड ढंग से काम नहीं करती थी, इसी वजह से सेल्स नहीं होती थी। हाँ भाई संदीप, कैसा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है तेरे को यहाँ पर देख के। यहाँ जितने भी ऑडियंस बैठे हैं मैं उन सबको ये बताना चाहूंगा कि आज आप संदीप महेश्वरी को देख रहे हो, इनकी कंपनी है imagesbazaar.com जिसने इतना अच्छा किया है, लेकिन इस कंपनी को बनाने के पीछे इन्होंने इमेजेस बाजार का आइडिया दिया। तो मैंने इसके सामने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा भाई तो कम से कम 25-30 बिजनेस पहले डूब चुका है, ये मत कर। क्यों इतना पैसा खराब कर रहा है, अपना टाइम खराब कर रहा है, कुछ और काम कर, अपने पापा के घी के बिजनेस में जा, कुछ भी कर। मगर नहीं, इसने इमेजेस बाजार को खोला। करते करते देखते देखते काम अच्छा होने लगा और आज जब मैं देखता हूँ कि इमेजेस बाजार इस लेवल पर आ गया है कि वर्ल्ड की नंबर 1 वेबसाइट है फॉर एशियन इमेजेस और फॉर इंडियन इमेजेस, और हर साल 1 लाख इमेजेस ऐड होती हैं वेबसाइट पे, तो देख के मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैं गलत था। आज हम चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट की कुछ खासियत देख लें, कुछ फोटोज देखें। मैं सिर्फ एक लाइन में कहूंगा कि ये शूट दिल्ली में हुआ है। ये बहुत बड़ा रेता हमने बिछा दिया, रेता, और वो मिक्स करके उसमें थोड़ा व्हाइट चूना मिलाया करा जैसे, जिससे कि वो मॉरिशस जैसी रेत लगे। और अब देख करके जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं कोई नहीं कह सकता कि ये दिल्ली का है या मॉरिशस का शूट है। अब हम सिर्फ मॉडल्स का शूट नहीं करते, अब हम रियल पीपल के भी बहुत शूट करते हैं। तो वो जो रियलिटी फैक्टर हमारी साइट में मिसिंग था अब वो भी आ गया। इसका नाम मनोज कुमार है, ये हमारे ऑफिस में एक पियोन था और जो अब सेलिब्रिटी बन गया है तो अब वो हमारे यहाँ पे काम नहीं करता। उसका ये शूट किया हमने और शूट करके वेबसाइट पे डाला उसका अपना वाइपर और ये वो सब कुछ, और ये कई एड्स में यूज हुआ। जैसे एक आप देख रहे हैं वो FM की एड में यूज हुआ था और इसके सारे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में एड्स, उसके अलावा होर्डिंग्स लग गए और फिर मनोज कुमार का ड्रेसिंग सेंस पूरा चेंज हो गया। All our best wishes to you and there's a small gift also.
हम बस ऑपरेटर से टाई अप करेंगे और टिकट बेचने के लिए एंड देन वी पुट इट ऑन आवर वेबसाइट फॉर सेल टू द कस्टमर्स.